हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, शालिन बलोत की एक्स वाइफ दलजीत कौर ने निखिल पटेल के साथ फाइनली 18 मार्च को शादी कर ली। दूसरी तरफ दोस्तों, एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जब दिल्ली के मंगोलपुरे इलाके में दो लड़के एक लड़की को जबरदस्ती एक कैब में बैठाते नजर आ रहे हैं। आप जरा देखिए इस वीडियो को। पुलिस के पास ये वीडियो चला गया है और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। कैब के मालिक का पता गुरुग्राम का है और पुलिस की टीम वहां भेज दी गई है। बागेश्वर धाम बाबा के दरबार में चोरी हो गई है। जी हां, 4,87,000 रुपए के गहने चोरी हो गए हैं। 36 से ज्यादा महिलाएं शिकायत दर्ज कराने पहुंच गई हैं थाने। अगली अपडेट ये है कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। सलमान खान के मैनेजर ने मुंबई के एक बांद्रा पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो झूठी मैं मक्कार ने 100 करोड़ की कमाई कर ली है। ये मूवी 11 दिनों में 101 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। लोगों को लग नहीं रहा था कि इतनी कमाई कर पाएगी। अगली अपडेट है दोस्तों कोविड के बारे में। भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर 500 से अधिक कोविड के केसेस आ गए हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस आए हैं महाराष्ट्र से। अब स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकंड ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 10 विकेटों से हरा दिया है। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और इंडिया को 26 ओवर में 10 विकेटों के नुकसान पर केवल 117 रन पर ही बनाकर सिमट करवा दिया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी विकेट खोए 121 रन बनाकर मैच को जीत लिया है। प्लेयर ऑफ द मैच बने मिचेल स्टार्क। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको सबको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।